जय हिंद। आज इसके लिए वीडियो बना रहा हूं कि 2 साल में जो ये कोरोना के वजह से जितनी भी मौतें हुए, स्टूडेंट्स की मौतें हुए, घर में परिवार ये कोरोना के वजह से मौत हुई है, और अभी फिर से ये नाटक, अभी कुछ ओमिक्रॉन क्या है वो एक आया है, फिर भी बहुत सारे ऐसे हालात खराब है। खुद सरकारें बोल रही है कि घर में रहो, सुरक्षित रहो, अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो। तो फिर इतना सब होने के बावजूद भी ये स्टूडेंट्स की बलि क्यों चढ़ा रहे हो? आज मैंने देखा कितने सारे प्रोफेसर से लेके सारे के सारे ऑनलाइन मीटिंग्स कर रहे हैं। तो जब आपको आपके जान की परवाह है तो वो स्टूडेंट्स का बलिदान देने के लिए क्या है? स्टूडेंट के जान के पीछे क्यों लगे हो? जब इतने साल तक उनकी ऑनलाइन पढ़ाई हुई तो अभी ऑफलाइन एग्जाम क्यों है? गए टाइम में यही मेरे यूथ जनरेशन के लिए, मेरे स्टूडेंट्स के लिए अकेला उतर गया था रोड पे कि बच्चों के जान के साथ नहीं खेलने का, इसके लिए उतर गया था। तब आप लोगों ने, मैं आपको उस चीज के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बच्चों की बातें सुनी, मेरी बात सुनी और बच्चों को इंसाफ दिया। अब हालात वैसे ही है जैसे पहले थे, तो इसके लिए फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि बच्चों के जान के साथ मत खेलिए, एग्जाम कैंसिल करिए, बच्चों के जान के साथ मत खेलिए। क्योंकि और ये बच्चे इस देश का भविष्य है, तो ये बच्चों के जान के साथ, उनके करियर के साथ मत खेलिए। वरना तब मैं अकेला उतरा था, अब लाखों बच्चों को लेके, लाखों स्टूडेंट्स को लेके उतर जाऊंगा। ये मैं जो आपको बोल रहा हूं, ये आपको पता होगा कि मैं अगर बोलता हूं तो फिर वो पूरा करता हूं मेरी जबान। तो अगर आप ये रिक्वेस्ट मेरी और पूरे हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है आपको कि ये एग्जाम ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन ही करिए, और ये भी नहीं हो सकता है तो एग्जाम कैंसिल करिए। अगर आप नहीं करोगे, जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर है सबको बोल रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सर आप प्लीज प्लीज बच्चों के भविष्य की, उनकी जान की परवाह करते आप ये एग्जाम्स कैंसिल करिए। वरना मैं लाखों स्टूडेंट्स को लेके फिर से इस रोड पे उतर जाऊंगा, जिसके जिम्मेदार आप रहोगे, सरकार रहेगी। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आज बच्चे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे आपको टैग करके बता रहे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, कितने बच्चे डिप्रेशन में है अभी, तो इसके जिम्मेदार कौन है? एक तो सरकार या फिर वो कॉलेज स्कूल? तो मैं ऐसा होने नहीं देगा बच्चों के साथ, नहीं होने देगा। अगर आप ये निर्णय आपका बदलिए, बच्चों को इंसाफ दीजिए, वरना मुझे तो मेरे जान की परवाह नहीं है। और स्टूडेंट के साथ ऐसी उनको जान को खतरे में डाल के अगर ये करना चाहते तो उनको भी उनके जान की परवाह नहीं है। फिर एक नया हंगामा हो जाएगा, नया आंदोलन हो जाएगा। इसके लिए रिक्वेस्ट है, कैंसिल करिए एग्जाम। जय हिंद। और जितना हो सके ये एजुकेशन मिनिस्टर्स, ये सरकार,
यहां तक मेरा वीडियो पहुंचाइए और स्टूडेंट्स को इंसाफ देना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स को इंसाफ नहीं मिला तो फिर होगा आंदोलन और होगा तांडव, और मुझे मेरी परवाह नहीं। आपको पता है जितना केस डालना चाहते हैं डालिए, मुझे परवाह नहीं, क्योंकि जो सही है वो सही है, गलत है वो गलत है, जिसको जो करना है करिए, परवाह नहीं। जय हिंद।